सही, लेकिन इन पूरे अगर हम दशकों की बात करें तो अयोध्या खुद राजनीतिक पुट से दूर रही, वहां पर तस्वीरें बिल्कुल अलग देखी गई। राजवीर जी, देखिए जो मुद्दा था, मुद्दा राजनीतिक था ही नहीं, मुद्दा जो था वो सांस्कृतिक था, इस देश की पहचान से जुड़ा हुआ था, इस देश के गौरव से जुड़ा हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी भारतीयों के दिलों में बसते हैं, हिंदुओं के दिलों में बसते हैं, उनके जन्म स्थान पर एक बाहर से आए हुए आक्रांता ने एक अपना ढांचा स्थापित कर लिया था, उस ढांचे को कोर्ट ने भी आज इस बात का जिक्र किया। वहां जो वो एक मंदिर था नीचे, उसके ऊपर उस ढांचे को बनाया गया था जी। तो आज उस ढांचे से पूर्ण रूप से, कानूनी रूप से भी हमें मुक्ति मिल गई है और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बने, उसका एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। जैसा भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बर्लिन की दीवार गिरी थी, तो आज हिंदुस्तान में भी वो दीवार गिर गई है उन लोगों के द्वारा बनाई हुई, जिन्होंने यहां पर इस समाज को दो खेमों में बांट दिया था। जैसे ओवैसी का बयान आपने सुना होगा, जफर याब जिलानी साहब अपनी बात रख रहे थे, हालांकि वो वकील हैं, वकील के नाते उनका अधिकार बनता है, लेकिन लेकिन वकील होने के नाते हाँ, भी वो ये भूल जा रहे हैं कि मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को वो सहमत है, उन्हें सहमत मंजूर है ये फैसला, जी वो पार्टी है, लेकिन उनको तकलीफ हो रही है ज्यादा जी। हाँ, तो मेरा कहना यही था कि जो दीवार थी वो दीवार गिर गई है, बेचैनी किसके अंदर है, बेचैनी उनके अंदर है जिन्होंने दीवार बनाई थी, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, देश आगे बढ़ेगा। और जहां तक बात थी कि न्यायपालिका ने जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, वो दृढ़ इच्छा शक्ति न्यायपालिका के पास भी कहां से आई, वो दृढ़ इच्छा शक्ति इस देश के लोगों ने दी, इस देश की सरकार ने दी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी कि आप निर्णय दीजिए, देश के अंदर भाईचारे को हम स्थापित रखेंगे, उस पर शासन प्रशासन अपना काम करेगा, और फैसला आपके सामने है और माहौल भी आपके सामने है, सब खुश हैं। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर एपी, जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग जब हम 50 से